तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स विद एमएस पर। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे ये छोटा सा वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर ये सवाल पूछते हैं कि क्या हिंदी मीडियम से हम नीट की परीक्षा निकाल सकते हैं या हिंदी मीडियम से हम नीट की परीक्षा क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। या बहुत से स्टूडेंट्स हमसे ये हमारे कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट बॉक्स में आप ये पूछ लेते हो कि क्या हिंदी मीडियम में पेपर आता है नीट का, और आगामी नीट परीक्षा के लिए ये सूचना बहुत ज़रूरी है कि क्या नीट का पेपर हिंदी में आता है। तो दोस्तों बिल्कुल 100% नीट का पेपर हिंदी में आता है, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपकी जानकारी अच्छी है, अगर आपने अच्छे से सिलेबस को कवर किया है, चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपने सभी सिलेबस को अच्छे से कवर किया है, हिंदी में चाहे कवर किया हो चाहे इंग्लिश में, आप बेशक अच्छे से आप नीट की एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। और रही बात इंग्लिश की, जब आप मेडिकल कोर्स पढ़ोगे तो दोस्तों आप इतनी इंग्लिश तो पढ़ते हो, अभी आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने खाली टाइम में, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जो कि मैं चाहता हूँ कि आपका एडमिशन MBBS कॉलेज में हो, तब आप अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी कर लो कि आप इंग्लिश में MBBS की पढ़ाई कर पाओगे आराम के साथ। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी मीडियम में पेपर आता है और हिंदी मीडियम में पढ़ाई भी होती है दोस्तों। तो छोटी सी वीडियो थी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।